गोंडा में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे मंडल में स्कूली वाहनों की फिटनेस के लिए संभागीय परिवहन विभाग द्वारा अभियान चलाकर स्कूली वाहनों को नोटिस भेजकर और चेकिंग कर फिटनेस कराया जा रहा है। बसों में सीसीटीवी खिड़की में जाली, जिससे बच्चे सिर व हाथ गाड़ी से बाहर न निकालें। साथ ही वाहनों के आगे पीछे रेडियम और साइड लाइट लगे होने पर ही फिटनेस दिया जा रहा है। संभागीय अधिकारी उमाशंकर यादव ने बताया कि पूरे देवीपाटन मंडल में 473 वाहनों का फिटनेस समाप्त हो गया। 315 वाहन अभी फिटनेस के लिए शेष हैं और 15 वर्ष पूरा होने वाले वाहनों को नोटिस भेजा जा रहा है। मंडल में 473 वाहन उनकी फिटनेस समाप्त हो गई है और 100 वाहनों की 15 साल आयु पूरी हो चुकी है। कुल 67 फिटनेस की गई है कल की डेट में, तो 315 वाहन अभी फिटनेस के शेष हैं। बिना फिटनेस वाहन सड़कों पर न चले, जिससे कोई दुर्घटना न हो। जो वाहन चलने लायक फिट हो वही वाहन सड़कों पर चले। वाहन 15 साल पूरे हो गए हैं। हम लोग प्रति अपने स्टाफ को लगा करके प्रति विद्यालय सब लोग जा रहे हैं, उसकी संख्या इकट्ठा की जा रही है, कितनी कट गई कितनी नहीं कटी है उसकी जाँच की जा रही है।